रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड द पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर इज़ दैट प्रोटेक्शन. एज यू नो प्रोटेक्शन इज रिलेटेड अबाउट द इंटेगुमेंट ऑफ द स्किन. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द लेक्चर नंबर 3 एंड इन दिस लेक्चर वी कवर अबाउट द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ रिलेटेड टू सपोर्ट. सो सपोर्ट जो है एनिमल्स में वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, इसको प्रोवाइड करने के लिए मैकेनिज़म्स और सिस्टम जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और सपोर्ट जो है वो एनिमल्स में कितनी टाइप की है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो सपोर्ट जो है बेसिकली क्या है, सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्केल्टल सिस्टम ऑफ एनिमल बॉडी. स्केल्टल सिस्टम जो है वो क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है. और इसमें अगर हम देखें तो स्केल्टल सिस्टम जो है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ स्केल्टल सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ द स्केल्टल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड वन इज़ द स्केल्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नंबर वन, दैट इज स्केल्टल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. स्केल्टल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो है अगर हम देखें तो सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसमें बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनमें 3 टाइप्स के जो हैं वो स्केल्टन्स होते हैं. स्केल्टन्स जो हैं वो हमारे पास, फर्स्ट स्केल्टन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन एंड सेकेंड वन इज़ द एग्जोस्केल्टन एंड थर्ड वन इज़ द एंडोस्केल्टन. ये जो है तीनों तरह के स्केल्टन जो है वो हम इसमें स्केल्टल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. अगर हम इसमें सिंपल देखें तो हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं लाइक फ्लूइड को यूज़ करते हैं इंटरनल सपोर्ट के लिए. इंटरनल सपोर्ट के लिए बॉडी फ्लूइड को यूज़ करते हैं. और इसमें अगर देखा जाए हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो है हमारे पास दैट इज़ रिलेटेड टू सी एनीमोन और अर्थवर्म. सी एनीमोन और अर्थवर्म जो है हमारे पास, ये इस तरह के जो हैं वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं जो इंटरनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. अगेन अगर सिंपल देखें तो हमारे पास जो है 3 कैटेगरीज हैं स्केल्टन की. फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन और हाइड्रोस्केल्टन. ये जो है हमारे पास, इसे हम हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन का नेम भी दे सकते हैं, अनदर नेम जो है दैट इज़ हाइड्रोस्केल्टन. तो ये दोनों टाइप से जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. अगर हम सिंपल देखें, हाइड्रो जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, वर्ड दैट मीन्स वाटर, एंड स्टेटिकोस मीन्स टू स्टैंड, विद स्टैंड करना, लाइक सपोर्ट प्रोवाइड करना. स्केल्टन का मीन ही ये होता है, मतलब ही सिंपल ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो अगर हम इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन में देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो बेसिकली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है. लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें बॉडी में, तो वो जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो भी हमारे पास लिक्विड की तरह प्रेजेंट है. अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की एक शीथ बनी हुई होती है बॉडी में, और वो उसको सराउंड करता है बाय द टेंशन रेजिस्टेंट शीथ के ज़रिए. वो जो शीथ है वो बनी हुई होती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की. दैट इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन. और हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, ये जो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मसल्स को कोलैप्स होने से जो है ये जो फ्लूइड है जो लिक्विड मटेरियल में प्रेजेंट है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो जो है वो पूरी बॉडी को कोलैप्स होने से बचाता है. तो ये हमारे पास बेसिक फीचर है दैट इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन. अगर हम सेकेंड पे मूव करें तो हमारे पास है एग्जोस्केल्टन. एग्जोस्केल्टन जो है हमारे पास, अगेन टर्मिनोलॉजी देखी जाए उसका, उसकी जो है वो मीनिंग देखा जाए एग्जैक्ट, तो वो जो है वो एग्जो मीन एज यू ऑलरेडी नो आउटसाइड एंड स्केल्टन, स्केल्टन टू प्रोवाइड द सपोर्ट. अब इसमें देखा जाए हमारे पास एग्जोस्केल्टन जो है, जैसे हमारे पास इसमें बात करें कि हमारे पास आउटर अपेरेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जो है इसमें हमने वो डिस्कस करना है. इसमें क्या होता है, एग्जोस्केल्टन में जो है वो लोकोमोटरी फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो मसल अटैचमेंट साइट जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसमें मसल मूवमेंट्स जो हैं वो टेक प्लेस हो रही हैं. और अगर देखा जाए हमारे पास एग्जोस्केल्टन जो है वो एक तो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा जो है उसके सेकेंडरी फंक्शन जो हैं वो और भी डिफरेंट तरह के सेकेंडरी फंक्शंस हो सकते हैं. अब वो जो हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन जो हैं वो किस तरह के हैं, लाइक अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास
इसकी आर्थ्रोपोड के केस में देखा जाए तो इनकी जो आउटर कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है क्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्थ्रोपोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों को पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ कि इनमें क्या होता है कि जो आउटर कवरिंग होती है थिक क्यूटिकल लेयर जो होती है वो क्या होती है, वो एनुअली पीरियडिकली क्या होता है कि उसका जो आउटर शेल है वो क्या होता है, शेड आउट होना शुरू होता है। ये बेसिकली क्या है, ये एक क्यूटिकल है और ये एक्सोस्केलेटन में इन्वॉल्व हो रही है। और इसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन जो है इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस क्रैब्स और श्रिम्प्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉबस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनका शेल जो होता है वो किस तरह से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। उसको क्या प्रोवाइड करता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसके स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होता है और उसके जो सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसकी वजह से क्या होते हैं, वो प्रोटेक्ट रहते हैं, हार्म कंडीशन से जो है वो बच जाते हैं। इस तरह से अगर इसके हम सिंपली देखें तो हमारे पास इतना ही हमारे पास इसके इससे रिलेटेड है, एक्सोस्केलेटन से रिलेटेड। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो इसमें इसके कुछ जो हैं वो डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। लाइक इसमें अगर देखा जाए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन जो है वो ग्रोथ एनिमल्स ग्रोथ को एक तो लिमिट कर रहा है और उसके अलावा जो है इसका जो आउटर स्केलेटन है वो शेड आउट होता है पीरियडिकली मोस्टली आर्थ्रोपोड के केस में, ये भी इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। और उसके अलावा इसमें फर्दर अगर देखें जॉइंट्स और एंटागोनिस्टिक मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब वो जो आर्थ्रोपोड के केस में हमारे पास जॉइंट्स और मसल्स जो हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमारे पास विंग जॉइंट्स जो होते हैं फ्लाइंग बीटल्स और जॉइंट ऑफ फ्लीज के, उसमें क्या होता है कि वो जंपिंग इन्वॉल्व होती है। लाइक विंग जॉइंट्स ऑफ फ्लाइंग बीटल्स एंड जॉइंट्स ऑफ फ्लीज इन्वॉल्व इन जंपिंग, ये दोनों तरह के जो जॉइंट्स हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, जंपिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इनमें क्या है कि हाईली इलास्टिक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है जो जंपिंग में इन्वॉल्वमेंट में हेल्प आउट करती है। और उसमें जो हाईली इलास्टिक प्रोटीन है एंड दैट प्रोटीन नेम इज़ एनिमल रबर एंड यू कैन ऑल्सो से दैट द रिजिलियन हाईली इलास्टिक प्रोटीन इज़ दैट प्रोटीन दैट इज़ एनिमल रबर एंड ऑल्सो नोन एज द रिजिलियन प्रोटीन। रिजिलियन प्रोटीन क्या करती है, बेसिकली एनर्जी स्टोर करती है ऑन कंप्रेशन एंड देन रिलीज द एनर्जी टू प्रोड्यूस मूवमेंट। मूवमेंट जैसे ही करनी होती है उसमें तो वो अपनी एनर्जी जो है वो क्या करती है, रिलीज़ करती है। इन केस ऑफ फ्लाइंग बीटल्स और फ्लीज के जॉइंट्स में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इस ये तो हमारे हो गए एक्सोस्केलेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस। अगर हम बात करें हमारे पास रिजिड एक्सोस्केलेटन जो है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोस्केलेटन जो है हमारे पास सिंपली देखा जाए तो ये हमारे पास वर्ड जो है वो इंडिकेशन सेम है, एंडो मीन विद एन अगेन स्केलेटन, स्केलेटन दैट लाइज बीनीथ द सर्फेस ऑफ द बॉडी, इनर साइड पे जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है बेसिकली उसकी बात हो रही है, उस एंडोस्केलेटन का नेम दे रहे हैं। और एंडोस्केलेटन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये स्केलेटन जो है ये इंक्लोज हुआ होता है बाय द बॉडी टिश्यूज और इसे एंडोस्केलेटन का नेम दिया जाता है। लाइक अगर हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करें तो स्पॉन्जेस के एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो कंसिस्ट कर रहा होता है ऑन मिनरल स्पाइक्यूल्स एंड फाइबर्स ऑफ स्पॉन्जिंग दैट कीप द बॉडी फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से जो है बॉडी को प्रिवेंट करता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास उसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन्स ऑफ एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स में जो है हमारे पास सी स्टार सी अर्चन्स जो हैं इनकी बॉडी कंसिस्ट होती है स्मॉल कैलकेरियस प्लेट्स पे। एकाइनोडर्म की एंडोस्केलेटन की बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है, इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो लाइक कैलकेरियस प्लेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उन कैलकेरियस प्लेट्स को नेम दिया जाता है दैट इज़ द ऑसिकल्स। अब जो हमारे पास मोस्ट फेमिलियर एंडोस्केलेटन है वो हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ द वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन। मिनरलाइज टिश्यूज एंड इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो है ओवर 2/3 लिविंग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो हैं दैट कंटेन मिनरलाइज टिश्यू आर इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स की कंपोजिशन होती है और कोलेजन मैट्रिक्स में क्या होती है, एम्बेडेड होती है।
और उसके अलावा बोन, डेंट्रिन, कार्टिलेज और एनामल जो है ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्डोविसियन पीरियड वगैरह में। और उसके अलावा इसमें जो है वो कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होती है एक्सोस्केलेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्टिलेज क्या है हमारे पास, ये सपोर्टिव टिश्यू के तौर पर एक्ट करती है, और ये जो सपोर्टिव टिश्यू के तौर पे एक्ट करती है ये स्केल्टल कंपोनेंट जो है हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स के उसका मेजर पार्ट जो है वो बिल्डअप करने में हेल्प आउट करती है। और इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो हैं लाइक जॉलस फिशेज, हैग फिशेज, लैम्प्रेज वगैरह और शार्क्स वगैरह लाइक इसमें क्या होता है ये इन्वॉल्व होती है उसकी बिल्डिंग में, उस कार्टिलेज हेल्प आउट करती है। और कार्टिलेज जो क्या है ये एक लाइटर बोन है और इट अफोर्ड्स दीज प्रीडेटरी फिशेज द स्पीड एंड एजिलिटी दैट अलाउज देम टू कैच प्रे। लाइक उसकी जो है ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या होती है ये ऐसी बोन है जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जब हाईली इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी उसकी बॉडी की एजिलिटी जो है वो भी स्ट्रेचबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से प्रेडेटर को कैच करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, तो उससे वो हेल्प आउट करती है कार्टिलेज। और उसके अलावा ये जो है बायंसी भी प्रोवाइड करती है विदाउट द नीड फॉर अ स्विम ब्लैडर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें हमारे पास ये तो हमारे पास है एंडोस्केल्टन के बारे में, लाइक ये हमने स्केल्टन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो है वो डिस्कस किया है जिसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन, एक्सोस्केल्टन और एंडोस्केल्टन जो है वो इन्वॉल्व आउट हो रहा है। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द स्केल्टन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के स्केल्टन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास आती हैं चीज़ें अगेन एंडोस्केल्टन इन्क्लोज बाय अदर बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज़ के साथ जो है वो इन्वॉल्व हुआ होता है, उसके अंदर इन्क्लोज हुआ होता है एंडोस्केल्टन। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें टू मेजर टाइप्स जो हैं सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं, टू मेजर टाइप्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं इन केस ऑफ स्केल्टन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स में। फर्स्ट सपोर्टिव टिश्यू दैट इज़ कार्टिलेज, कार्टिलेज की हमने पहले भी बात की, अगेन इसमें कार्टिलेज है। और उसके अलावा है बोन आर ऑसिस टिश्यू। फर्स्ट वन इज़ द कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे पास क्या है, ये स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का वर्क क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो साइट प्रोवाइड करती है फॉर द मसल अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट में हेल्प आउट करती है, और उसके अलावा ये मूवमेंट में हेल्प आउट करती है जॉइंट्स पे, और उसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और क्या करती है ये फोर्स ट्रांसमिट करती है ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करती है ये फोर्स ट्रांसमिट करती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ये तो क्या कार्टिलेज का फंक्शन। और इसके अलावा अगर हम देखें बोन का अनदर नेम जो है दैट इज़ द ऑसियस टिश्यू।